नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। खबर मुरादाबाद से है, जहां गरीबों को मिलने वाली राशन की कालाबाजारी की जा रही है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने गरीबों के लिए फ्री राशन की स्कीम 3 महीने और बढ़ा दी थी, जिसके बाद गरीबी रेखा में आने वाले ग्रामीणों को रिफाइंड चना, नमक, गेहूँ, चावल निःशुल्क वितरण किया जा रहा था। सस्ता गल्ला राशन विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी गई थी कि अगर कोई भी राशन डीलर गरीबों में बंटने वाले राशन की कालाबाजारी करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मगर ब्लॉक मुंडा पांडे की ग्राम पंचायत रामपुर भीला की सस्ता गल्ला विक्रेता मेहताब को ग्रामीणों ने 11 कट्टे चावल और गेहूँ को बेचते हुए खरीदार को मौके पर पकड़ लिया और पुलिस की मौके पर बुला लिया, जिसके बाद राशन डीलर मौके से फरार हो गया है। पुलिस मामले की जांच करने के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। खबर बस्ती से है, जहां युवाओं को नशे में झोंकने वाले आरोपियों के खिलाफ बस्ती पुलिस फुल एक्शन में नजर आ रही है। लगातार अफीम, गांजा और चरस की सप्लाई करने वाले कारोबारियों को पुलिस चिन्हित कर उन्हें जेल भेजने का काम कर रही है। वहीं अब तक पिछले 3 माह में 40 से अधिक नशे के कारोबारियों को बस्ती पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रात के लगभग 9 बजे हमारी जनपद की क्राइम टीम और वाटर सूचना मिली कि भिटिया रोड पर मुरादपुर के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को सामान लेकर जा रहा है। इस पर हमारी टीमों ने इसकी जांच की। जांच करने उपरांत उसके पास से लगभग 21 किलो नशीला संदिग्ध पदार्थ प्राप्त हुआ है, जिस पर थाना बाटागंज में अभियोग प्रस्तुत किया गया। अगली खबर मैनपुरी से है, जहां थाना बेबर के ग्राम बमैया में कथावाचक पूनम शास्त्री की भागवत कथा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में कथावाचक के साथ बैठा युवक असलहों का पूजन करता नजर आ रहा है, जिसके बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक मधुबन सिंह ने थाना बेबर प्रभारी निरीक्षक नरेंद्र शर्मा को वीडियो के संबंध में जाँच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे हिंदू धर्म में भागवत सप्ताह जो होता है उसमें एक कंस वध की परंपरा उसमें होती है। संयोगवश हम भी वहाँ थे उस दिन, तो कंस का जो वो प्रतीक होता है घड़ा, उस पर कई लोगों ने जब प्रयास किया नहीं हुआ तो हमसे भी बुजुर्गों ने कहा कि एटम तुम भी प्रयास करो, और प्रभु की ऐसी कृपा कि वो हमने फायर किया एक लोगों से राइफल लेके और वो फूट गया। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। कुछ लोग इसको बेवर थाना क्षेत्र का बता रहे हैं और ये काफ़ी पुराना है। इंस्पेक्टर बेवर को इसकी जांच करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, उनके द्वारा जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फायरिंग को रोकने के लिए सर किस तरीके के निर्देश आते हैं? इस तरह के निर्देश दिए गए हैं सभी लोगों को, शासन और प्रशासन के द्वारा इस तरह की कोई भी हर्ष फायरिंग या कोई फायरिंग करने के लिए मनाही है। खबर सहारनपुर से है, सहारनपुर में आचार्य राजेंद्र अटल स्वतंत्रता सेनानी ने अपने सभी साथियों के साथ मिलकर SSP को एक ज्ञापन सौंपा है। फिल्म निर्माता लीना मणि मेकलाई ने अपनी फिल्म का जो पोस्टर जारी किया था उसमें देवी काली का रूप धारण किए हुए एक महिला को सिगरेट पीता दिखाया गया है। इसी पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाया गया है। सोशल मीडिया पर फिल्म काली और डायरेक्टर लीना मणि मेकलाई का जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अगली खबर सोनभद्र से है, सोनभद्र में 50 लाख की हीरोइन के साथ 4 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि सोनभद्र की क्राइम ब्रांच और शाहगंज थाने की पुलिस को ये सफलता हाथ लगी है। चारों तस्करों को सोनभद्र के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के निवासी हैं। पुलिस ने तस्करों के पास से एक कार, 500 ग्राम हीरोइन और 40,000 रुपये बरामद की है। खबर बस्ती से है, जहां गड्ढे की जांच करने पहुंचे नायब तहसीलदार अपनी बात कहते हुए एक विकलांग शिक्षक पर
आग बबूला हो गई। दरअसल मामला हरैया तहसील के पिपरा काजी गांव में पाटे जा रहे गड्ढे की जांच करने के लिए नायब तहसीलदार पहुंचे थे। इतना ही नहीं, आवेश में आकर रतनपुर राय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत दिव्यांग शिक्षक का बाल पकड़कर चाटा तक जड़ दिया, जिससे आहत शिक्षक ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की सूचना संघ के पदाधिकारियों को दी, जिसके बाद जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में शिक्षकों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से मिलकर कार्रवाई की मांग की है। ग्राम पिपरा काजी थाना क्षेत्र पैकोरिया में जमीन के पैमाइश के संबंध में राजस्व टीम गई हुई थी, जिसमें कुछ विवाद की स्थिति बनी थी, तो उसी के संबंध में लोग आए थे, अध्यापकों का प्रतिमंडल आया था और लोग कहना है कि वहाँ पर शायद कुछ विवाद हुआ था। अब इस संबंध में अभी मेरे पास ऐसी कोई लिखा पढ़ी की जानकारी नहीं आई है, लेकिन ये जैसी कोई बात तो मेरे संज्ञान में लिखित में आता है तो मैं उसमें जाँच कर जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी। विकास खंड के एक अध्यापक है फतेह, जो दिव्यांग है उनको दिखाई भी नहीं देता, दृष्टिबाधित है, पूर्णतः दृष्टिबाधित है, उनको कल नायब तहसीलदार हरिया निखिलेन जी जो है उन्होंने थप्पड़ मारा और उनके साथ जो हमराही चलते हैं उन्होंने घसीटते हुए उनको बाहर कर दिया। हम लोग मांग किए आए हैं कि हमारे अध्यापक को जो विकलांग है समाज की तरफ से हर जगह से वो बेचारा शोषित है, उसको एक अधिकारी होकर इस प्रकार से थप्पड़ मारना कहीं ना कहीं अध्यापक की गरिमा गिराने का कार्य किया गया है। कल नायब तहसीलदार हरैया द्वारा जो है मेरे ग्राम सभा में विवादित स्थल है उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जो है नायब तहसीलदार महोदय ने दोनों पक्षों से जो है पूछताछ की, उस दौरान मैं भी अपनी बात रख रहा था और अचानक जो है नायब तहसीलदार महोदय उग्र हो गए। उन्होंने हमको एक झापड़ मारा पकड़ और मुझे धक्का दे दिया, मैं ज़मीन पर गिर गया। साथ में उनके साथ जो कांस्टेबल थे उन्होंने मुझे धक्का देते हुए मारते हुए मुझे घटनास्थल से जो है दूर खेल दिया। मैंने उप जिलाधिकारी महोदय हरैया को जो है प्रार्थना पत्र दिया, प्रकरण से अवगत कराया। खबर हाथरस से है। हाथरस में महिला पुलिसकर्मी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद बिगड़ी हालत में परिजन ने अस्पताल लाया। बता दें कि सदर कोतवाली में तैनात महिला पुलिसकर्मी ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खाया था। महिला पुलिसकर्मी के जहरीले पदार्थ खाने की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद जिला अस्पताल में पुलिस अधिकारी सहित कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद है। वहीं डॉक्टरों ने महिला पुलिसकर्मी की हालत को गंभीर देखते हुए अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। खबर कर्णप्रयाग से है। कर्णप्रयाग के नौटी मोटरमार्ग पर उत्तराखंड परिवहन निगम की रोडवेज की बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे उतर गई। वहीं रोडवेज का पिछला हिस्सा सड़क से नीचे लटका, जिससे बस में सवार यात्रियों की सांसें अटक गईं। लेकिन गनीमत रही कि बस नीचे गिरने से बाल बाल बची और बड़ी अनहोनी होने से टल गई। फिलहाल सभी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सरोवर नगरी नैनीताल शहर और पूरे उत्तराखंड में जिस तरह बंदरों और कुत्तों लंगूरों ने आतंक मचाया है, उससे निजात पाने के लिए गिरीश खोलिया ने उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर न्यायालय से मांग की थी। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 सितंबर की तिथि नियत की है। खबर संभल से है। संभल में जेल से जमानत पर छूट कर आए आरोपियों ने दर्जनों गाड़ियों संग जमानत का विजय जुलूस निकाला है। इस दौरान जमकर हूटर भी बजे हैं। पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस मामले में सीओ प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो के आधार पर 188 के तहत कार्रवाई की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।